हेलो गाइस, तो अभी हम ये FZS जो कि डार्क नाइट कलर है इसका एक टेस्ट राइड करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है। तो इसका जो चेंजेस हैं वो कोई चेंजेस ज़्यादा मेजर नहीं है इसमें, जस्ट इंजन में 0.8 BHP की पावर कम हो गई है और जो टॉर्क है वो 0.8 न्यूटन मीटर से कम बढ़ गया है। तो इसमें इंजन में यही चेंजेस है, बाकी इसमें आपको कोई लोगो और कोई होलोग्राम नहीं दिखता कि कहाँ पे ये BS6 है। तो इसके यहाँ पे आप एग्जॉस्ट में देखेंगे तो ये थोड़ी पाइप मोटी हो जाती है, तो इसकी वजह से ये BS6 पता चलता है, वरना बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। लाइट्स वाइट सब चीज़ सेम है, टायर्स भी सेम है, इंजन का डायमेंशन भी सेम है और टैंक में भी, फ्यूल टैंक में थोड़ा सा चेंज हुआ है। फ्यूल टैंक पहले 12.8 लीटर्स का था, अभी जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो 13 लीटर्स का है और ये है नेगेटिव LCD डिस्प्ले, तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। यही सब इस बाइक का ओवरऑल वॉक अराउंड है और इसका पीछे का लाइट देख सकते हैं आप, ये लाइट में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो चलिए इसका भी टेस्ट राइड करते हैं और देखते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो ये इसका एग्जॉस्ट नोट है और इसका भी हम चलाते हैं, तो परफॉर्मेंस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पिकअप बढ़ गया है, थोड़ा सा स्लाइड पिकअप बढ़ गया है क्योंकि इसका 0.8 से पिकअप अप हुआ है और जो परफॉर्मेंस तो वैसे की वैसी ही है, पुराने जैसे कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला नहीं। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसकी कि बॉडी कैसी है, तो बॉडी तो यार इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, मुझे पुरानी और नई में बॉडी बराबर ही लग रही है और इसका जो स्टेबिलिटी है वो भी वैसा के वैसा ही है और फाइबर बॉडी है तो बेसिकली आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिले इसमें और स्टडी है, कोई प्रॉब्लम दिखती नहीं इसकी बॉडी में। और ये इसका परफॉर्मेंस है, तो भागती तो सही है ये गाड़ी, पहले से थोड़ा पावर परफॉर्मेंस थोड़ा कम हुआ है लेकिन जो इनिशियल पिकअप है वो बढ़ा है क्योंकि जो टॉर्क है वो इसका बढ़ गया है और जो पावर आउटपुट है वो थोड़ा कम हो गया है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी जो बाइक है वो पूरी सेम है, इसमें टायर्स भी सेम है, डिस्क भी सेम है और थोड़े नए कलर ऐड हो गए, जैसे आप ये देख सकते हैं ये वाला ब्लैक कलर है और इसके बाद मैंने रेड कलर का भी वॉक अराउंड वीडियो बना रखा है, तो आप ऊपर आईलिंक बटन ऊपर टॉप पे जाके उसको देख सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो प्राइस में भी कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, सिर्फ 2500 से 2500 से इसकी जो प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जो ये वाला मॉडल है ये आपको 1.02 लाख का मिल जाएगा और बाकी FZS में आपको दो नए कलर्स मिले हैं, ये वाला जो कलर है डार्क नाइट कलर है और जो दूसरा कलर है वो रेड कलर है, उसका मैंने वॉक अराउंड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आपने अगर वो उसका वॉक अराउंड वीडियो नहीं देखा तो आप आईलिंक बटन ऊपर टॉप पे जा सकते हैं। तो पावर मुझे थोड़ी सी कम लग रही है पहले के मुताबिक, पहले थोड़ी इसकी पावर इजीली 80 टच हो जाता था, अभी 80 टच होने में थोड़ा सा इसको टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ इनिशियल पिकअप बढ़ा है क्योंकि आपकी जो टॉर्क है वो टॉर्क की वैल्यू बढ़ी है, 0.8 से टॉर्क बढ़ा है तो थोड़ा सा इनिशियल पिकअप बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल पावर थोड़ा मुझे कम लग रहा है इसमें, स्लाइटली कम है। और FZ में जो है वो कलर सेम ही रखे गए हैं और FZS में आपको दो कलर मिल गए हैं एक्स्ट्रा, तो FZ की जो प्राइस है वो अराउंड 99 लाख है एक शोरूम, उसके बाद जो FZS है उसकी प्राइस है 1,000 से स्टार्ट होती है जो कि नॉर्मल कलर है और जो स्पेशल कलर है जैसे ब्लैक एंड रेड तो उसकी प्राइस है 1,02,000, तो 2,500 से रुपये पैसे में बढ़ोतरी हुई है, बाकी तो सब चीज़ सेम है। तो मेरे को BS4 मॉडल थोड़ा सा अच्छा लगा है क्योंकि उसका पावर थोड़ा सा बेटर था, तो अगर आप BS4 ले सकते हैं, अगर आपको पावर परफॉर्मेंस पसंद है तो BS4 आप ले लीजिए क्योंकि उसका पावर परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है और पिकअप भी थोड़ा अच्छा लगा मुझे। बाकी इसका थोड़ा सा इंजन मुझे डाउन सा लग रहा है, डाउन मतलब डाउन इन द सेंस कि मतलब ये ऑब्वियसली BS6 हो गया है तो थोड़ा सा इंजन में रिफाइनमेंट किए गए हैं और अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा, और टॉप स्पीड भी इसमें कुछ ज़्यादा जा नहीं रही है, तो आपको और माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 55 से 60 क्योंकि FI इंजन है और BS6 है तो माइलेज ज़रूर बढ़ गया होगा, तो 55 से 60 तक का माइलेज इसमें आपको आराम से मिल जाएगा।
थोड़ा सा टॉप स्पीड में डाउन हुआ है, क्योंकि टॉप स्पीड इसमें मेरे ख्याल से 90-95 तक ही जा रही है। पहले जो मॉडल आते थे उसमें 105 तक भी चले जाती थी, 105-110 तक चले जाती थी। इसमें जो टॉप स्पीड है वो मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। तो बाकी कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, जस्ट इंजन के चेंजेस हैं, और LCD पैनल में भी आप देखेंगे तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। तो यही इस FZS BS6 का एक राइड रिव्यू था। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू गाइज़।